लीडर जो है ना उसी की तरह उसकी टीम होती है। अगर आप बहाने वाले हो ना तो आपकी टीम भी बहाने वाली बनेगी। आपकी पर्सनालिटी ना मतलब कॉमन है तो आपकी टीम भी कॉमन पर्सनालिटी बनेगी। आप अगर ना डर डर के बात करते हो तो आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे, क्योंकि योर टीम कुड नॉट बी बेटर देन यू। आपकी टीम आपसे बेहतर कभी नहीं हो सकती। आपको अपने आपको बेहतर बनाना पड़ेगा अगर अपनी टीम को आप बेहतर बनाना चाहते हो तो। अगर आप अपने और देखो ये सारी एबिलिटी अगर आप देखोगे ना तो आपके फादर के अंदर है, इसीलिए आप यहां बैठे हो। ये सारी एबिलिटी जो है ना आपके फादर के अंदर है। उनके पास बहुत सारे साधन नहीं थे, फिर भी आपको पढ़ाया लिखा है, पाल पोस के यहां तक बड़ा किया, रिसोर्सफुल है वो। जहां जरूरत पड़ी वहां आपके साथ खड़े रहे, जहां जरूरत पड़ी वहां आपके साथ खड़े रहे, जहां पर जरूरत पड़ी वहां पर आपको प्यार दिया, जहां पर जरूरत पड़ी वहां पर आपको थप्पड़ भी मारे। जिनके साथ ये चीज हुई है ना उनकी पर्सनालिटी कैरेक्टर बहुत अच्छा बना है। कहा जाता है कि जिस इंसान ने गुरु से डांट और बाप से थप्पड़ नहीं खाया ना, वो इंसान कभी भी चमक नहीं सकता। जिस इंसान ने गुरु से डांट और बाप से थप्पड़ नहीं खाया ना, वो इंसान चमक नहीं सकता, क्योंकि चमकने के लिए सोने को भी आग में तपना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी एक बेहतरीन टीम बने तो आपको अपने आप को पहले बेहतर बनाना पड़ेगा। और अक्सर कर मैंने लोगों को देखा हुआ है ना कि लोग है ना अपने आप को बेहतर बनाने के लिए तैयार नहीं। कितने सारे ऐसे कोर्सेस हैं, कितने सारे ऐसे किताबें हैं, कितने सारे ऐसे सेमिनार्स होते हैं कि भाई टीम डेवलप कैसे किया जाए उसके ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी लोग है ना लोग उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। सोचते क्या है कि मैं ऑफिस बैठा रहा हूं और मेरे वहां पे कोई मार्क जुकरबर्ग या फिर एलन मस्क या फिर ऐसे बड़े बड़े जो टैलेंटेड लोग हैं लाइक सुंदर पिचाई है, सत्यनारायण, ऐसे लोग मेरी कंपनी में सामने से आए जुड़कर और मेरी कंपनी को अरबों की कंपनी बना दे, ये सोचकर लोग है ना बैठे रहते हैं, अपनी एबिलिटी डेवलप नहीं करते। जो लोग भी कंप्लेन कर रहे हैं ना, मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर आप ये कंप्लेन कर रहे हो कि मेरे पास अच्छी टीम नहीं है तो आपने अपनी टीम को बनाने के लिए किया क्या? आपने अपनी बेहतर टीम को बनाने के लिए आपने अपने आप को क्या डेवलप किया? आप पूछो अपने आप से, क्योंकि हम खुद कुछ नहीं करते और सोचते हैं सारी चीजें अपने आप हो जानी चाहिए। हम पता है हम क्या सोचते हैं कि हम रात में सोए रहे ना और हम सुबह उठे अलमारी खोले तो पूरी अलमारी ना गड्डियों से भरी होनी चाहिए। एक बिजनेसमैन भी ऐसा होता है, मैं ऑफिस जाऊं सुबह पर मैं मेरे वहां पे सत्या नडेला आना चाहिए, सर मैं आप क्या जॉब करना चाहता हूं। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं कर रहे, राइट? तो एबिलिटी डेवलप करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि टीम मैनेजमेंट इज एबिलिटी, और जब तक आप अपनी एबिलिटी डेवलप नहीं करोगे ना आपको अच्छी टीम कभी नहीं मिल सकती। आपके वहां कभी भी अच्छे लोग आएंगे नहीं। तो इसीलिए हमें अपनी एबिलिटी को डेवलप करनी है, क्योंकि हमारे जैसे ही हमारी टीम होगी। क्लियर? आगे बढ़े। सो अब सवाल यह होता है कि टीम को डेवलप करने में या अच्छी टीम बनाने में लोग फेल क्यों हो जाते हैं? सबसे पहला कारण क्या होता है पता है? ब्लरी विजन, विजन ही नहीं होता। विजन ही नहीं होता, करना क्या है, कितनी बड़ी कंपनी बनानी है, मुझे क्या फ्यूचर में करना है, मैंने कहीं पर कोई और कितने जितने लोगों को हम पूछते हैं सर आपका विजन, बोले इधर है, तो हम उनको पूछते हैं परसों शाम को कौन सी सब्जी खाई थी, सर याद नहीं आ रहा है। यार 48 घंटे चीज तुमने पहले क्या खाया था वो तुम्हें याद नहीं है, 10 साल का विजन तुम्हें याद रहेगा? एक बात ध्यान रखना, इस दुनिया में हर चीज का नियम बना है, और जब तक आप उस नियम का पालन नहीं करोगे ना आपको वो सारी चीजें नहीं मिलेगी जो आपको चाहिए। हर चीज का नियम बना है। अक्सर कर लोग क्या सोचते हैं ना इसके लिए कोई नियम नहीं है। आपको क्या लगता है कि बिजनेस बड़ा करने का कोई नियम नहीं है? आज ऐसे ही सारे बिजनेसेस जो है वो ग्रो हो जा रहे हैं।
आज पूरी दुनिया में कितने बिजनेस रोज स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन कितने बिजनेस उसमें से ग्रो कर रहे हैं। और ये समझने वाली चीज है कि बिजनेस शुरू तो बहुत हो रहे हैं लेकिन ग्रो बहुत कम कर रहे हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि उसमें से ज्यादातर लोग जो ग्रो नहीं कर रहे ना, वो बिजनेस को बड़ा करने का नियम जो है ना, वो समझ नहीं पा रहे। और उसमें सबसे पहला नियम है कि आपको अपनी कंपनी का या अपने बिजनेस का 5 या 10 सालों का एक विजन बनाना पड़ेगा कि आपको अपने बिजनेस को एक्चुअल में कैसे, कहाँ तक डेवलप करना है, कितना बड़ा बनाना है, कैसे बड़ा बनाना चाहते हो, ये आपको आपको लिखना पड़ेगा। ये दिमाग में, माइंड में रखने से काम नहीं चलेगा, पेपर पे आना चाहिए। आप बैंक में जाओगे और बैंक में बोलो कि मेरे अकाउंट के अंदर 10 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए दे दो, देगा? क्यों? पैसे तो आपके ही है, फिर क्यों नहीं देगा? एग्जैक्टली, आपको बोलेगा सर एक काम करो, जाओ एटीएम से निकालो या फिर आप चेक भर के दो। भले आपका ही पैसा क्यों ना हो और आप ही लेने के लिए क्यों ना जाओ, वो सिस्टम या प्रोसेस किए बिना आपको 1 रुपया नहीं देगा। गाड़ी आपकी है, हेलमेट आप पहनो कि नहीं पहनो आपका डिसीजन है, लाइसेंस रखो कि ना रखो आपका डिसीजन। एक्सीडेंट होगा तो चोट आपको लगेगी, आपको हॉस्पिटल का खर्चा आएगा, उसके बावजूद भी अगर बिना लाइसेंस के आप गाड़ी चलाते हो तो आपका चालान कटता है कि नहीं कटता है? नियम है। आप ये नहीं सोच सकते कि सारी चीजें मेरी है तो गवर्नमेंट क्यों मेरे से ऐसा करेगी। इसी तरीके से बिजनेस का भी नियम है कि बिजनेस को ग्रो करने का एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, आपको अच्छा लगे या ना लगे। अगर आपके बिजनेस को आपको ग्रो करना है तो आपको वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, जो है पहला आपको एक विजन बनाना पड़ेगा कि आने वाले 5 या 10 सालों के बाद मुझे मेरी कंपनी को कहां लेकर जाना है। तो पहला जो एक बिजनेसमैन एक अच्छी टीम बनाने से फेल होता है, उसका होता है कारण ब्लरी विजन।